महान संत श्री साईं बाबा। बाबा के चमत्कारों द्वारा शिरडी का नाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा हुआ है। बाबा के अनेकों चमत्कारों में से एक है द्वारका माई में हजारों साल से जलती बाबा की अखंड धुनी, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लाखों लोग आते हैं। लेकिन दुनिया में फैली महामारी के कारण द्वारका माई को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब द्वारका माई को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। पिछले साल दुनिया और देश में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण श्री समाधि मंदिर 17 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 14 नवंबर 2020 के शासनादेश द्वारा कुछ शर्तों पर श्री साईं बाबा के समाधि मंदिर को 16 नवंबर 2020 से भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। उस समय सरकार के आदेश से मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए एक स्वतंत्र द्वार बनाया गया था, जिसके अनुसार श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन करते समय भक्तों को मुख्य दर्शन कतार से द्वारका माई के दर्शन के लिए जा रहे थे, ताकि द्वारका माई मंदिर में दर्शन के लिए अलग से कतार ना लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल है, उसमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो इसी बीच अब शिरडी के साईं बाबा जो कि सबके मालिक एक वाले हैं, उनका जो द्वारका माई है वो फिर से अब भक्तों के लिए खुल चुका है। हजारों सालों से जल रहे उसमें धुनी के दर्शन अब फिर से भक्त कर सकेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि साईं बाबा के द्वारका माई खुलने से सभी भक्त काफ़ी खुश नज़र आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद ये अब द्वारका माई खुला है, जिसके बाद अब सभी भक्त आसानी से दर्शन कर सकेंगे। आप सभी को ये भी जानकर खुशी होगी कि कैसे भक्त जो हैं वो हजारों की तादाद में आते थे जब बीमारियां नहीं थी, और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो कहीं ना कहीं भक्त टूट गए थे कि हाँ अब हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसी बीच अब खुशखबरी दे दी गई है कि द्वारका माई फिर से एक बार खुल चुका है, तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बीमारियाँ अभी भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, मास्क ज़रूर लगाइएगा और साथ ही नियमों का पालन ज़रूर करें। कैमरामैन दीपक के साथ मैं सपना ठाकुर, राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। इससे पहले राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते दो बार लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद जब श्री साईं बाबा का मंदिर दर्शन के लिए भक्तों के लिए खोला गया, तो साईं भक्तों और शिरडी के ग्रामीणों द्वारा द्वारका माई मंदिर के दक्षिण की ओर के द्वार से सीधे दर्शन प्राप्त करने की मांग की जाने लगी। तब संस्थान के प्रबंधन, बोर्ड के अध्यक्ष विधायक आशुतोष काले और न्यासी बोर्ड ने 26 दिसंबर 2021 को अपनी बैठक में इसे द्वारका माई के लिए एक स्वतंत्र मंदिर के रूप में मानने और एक स्वतंत्र यात्रा करने का निर्णय लिया, जहां भक्तों के लिए द्वारका माई को खोल दिया गया। तो इसी बीच भक्तों को कोविड-19 के संबंध में सभी मार्गदर्शक नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और द्वारका माई मंदिर में दर्शन का लाभ उठाना चाहिए। और साथ ही सभी साईं भक्तों और शिरडी के ग्रामीणों को इस संबंध में संस्थान के साथ सहयोग करना चाहिए।